आइए क्लास 12 फिजिक्स में लेसन नंबर 11 के तहत आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है उसका नाम है प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो अगर कोई अगर पूछे आपसे तो क्या बताएंगे आप, क्या कहेंगे भाई प्रकाश विद्युत सेल के बारे में? पहले तो ये बात जानिए कि प्रकाश विद्युत सेल वह यंत्र होता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो अगर आपसे कहीं भी प्रस्ताव से कोई पूछे कि वो कौन सा ऊर्जा है, वो कौन सा यंत्र है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसका नाम है प्रकाश विद्युत सेल। ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। जब भी आपसे पूछा जाए तो तुरंत आप बताने का प्रयास करेंगे। आइए अब जो हमारी बातें होंगी यार, प्रकाश विद्युत सेल की उदाहरण या प्रकार। कोई पूछे कि प्रकाश जो विद्युत सेल होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो आप इसको क्या बता सकते हैं? देखिए प्रकाश विद्युत सेल तो कई प्रकार का होता है, लेकिन उसमें जो पहला प्रकार है उसका नाम है प्रकाश उत्सर्जक सेल। प्रकाश उत्सर्जक सेल। अब सुनिए, पहले तो प्रकाश उत्सर्जक सेल का मतलब यही होता है कि ये भी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो पहले इसकी हम बात करते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसके देखिए, कांच की एक नली है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, जो मैं कलम जिसके ऊपर रखा हूँ वह एक कांच की नली होती है, ठीक है ना। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक देखिए एक ये इलेक्ट्रोड है, एक आपकी ये इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक कैथोड होता है जो कि माइनस होता है, जो उत्सर्जक के कार्य करता है। एक संग्राहक होता है जो कि एनोड होता है। अब इसको ला करके हम लोग बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और एक माइक्रो एम्पियर लगा देते हैं जो धारा को मान को मापने का कार्य करता है। यानी धारा इसमें कितने एम्पियर बह रही है उसके मान को नापने का जो कार्य करता है उसका नाम होता है माइक्रो एम्पियर। तो संरचना तो देखे गए यार, कांच की नली है, दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड जो कि धनावेशित होता है, एक एनोड जो कि धनावेशित होता है। अब इस पूरे कार्यक्रम को हम लोग देखेंगे, पूरी संरचना को हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि आखिर सर ये होता है। देखिए सभी लोग ध्यान से एकदम समझेंगे इसको। सर इसमें देखेंगे, इसमें एक कांच की नली लगी होती है, अभी आपने देखा था, तथा इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। एक सी आकार का इलेक्ट्रोड होता है जिसे हम कैथोड कहते हैं, और यह निर्वेशित होता है, जबकि एक एनोड लगा रहता है जो धनावेशित होता है, तथा दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी और एक माइक्रो एम्पियर से जोड़ देते हैं, और इस प्रकार प्रकाश उत्सर्जक सेल की संरचना बन जाती है। एक बार और संरचना को देख लेते हैं हम लोग। ये संरचना है, कांच की एक नली है, और इस कांच के लड़ने में आप देखेंगे दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे, एक कैथोड जिसको उत्सर्जक कहते हैं, एक एनोड जिसको हम संग्राहक कहते हैं। दो इलेक्ट्रोड इसमें लगे हुए हैं, और आप इसको देख करके बता सकते हैं यार, कैथोड जो होता है धनावेशित होता है, और एनोड धनावेशित होता है, बैटरी से इसको जोड़ देंगे। ये कार्यक्रम आपसे पूछा जाता है, तो इस संरचना में कोई दिक्कत नहीं होती। अब आ जाइए भाई इसके कार्यविधि के पास हम चलते हैं। कार्यविधि अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे?
जब उचित आवृत्ति के प्रकाश को जब उत्सर्जक पर डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं तथा एनोड की ओर आने लगते हैं तथा परिपथ पूर्ण हो जाता है तथा इसमें धारा बहने लगता है। ये बात आप याद रखेंगे। मैंने इसमें ये कहा गया, याद देखो सबसे सर्वप्रथम क्या कहा गया कि हम सर्वप्रथम जो होता है, जो ये बना हुआ है, जो आप इस उत्सर्जक को देख रहे हैं, इस पर हम लोग डालते हैं प्रकाश। ये प्रकाश आ रहा है, देखो इस उत्सर्जक के ऊपर हम लोग डालते हैं, कैथोड के ऊपर। जब कैथोड के ऊपर प्रकाश को डालते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन निकल करके जो संग्राहक है उसके तरफ जाते हैं, एनोड की तरफ जाने लगते हैं। और एनोड की तरफ ये इसलिए जाते हैं क्योंकि जो एनोड होता है धनात्मक होता है, एनोड धनात्मक होता है, इसलिए एनोड की तरफ ही जाने लगते हैं। इस तरीके से परिपथ पूरा हो जाता है और फिर इस पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है। अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया। यार देखो इसमें लिखा गया कि जब उचित आवृत्ति के प्रकाश को जब उत्सर्जक पर डालता है, अभी आप उत्सर्जक देख रहे थे सी आकार के, तो उसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और तथा इसमें एनोड की ओर जाने लगते हैं तथा परिपथ पूर्ण हो जाता है और इसमें धारा बहने लगती है। अब नोट पॉइंट आपको याद करना है कि जब आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी बढ़ जाता है। जब आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी बढ़ जाता है तथा अंत में प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। और अंत में जो प्रकाश ऊर्जा होता है और विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, बदल जाता है। तो ये कार्यक्रम अगर आपसे कोई पूछे तो सारा चीज़ आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई आपकी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा जिसका नाम है प्रकाश वोल्टियस सेल, आप इसके बारे में भी अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश वोल्टियस सेल क्या होता है, तब भी आप बता सकते हैं भाई कि यह ऐसा यंत्र होता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश वोल्टियस सेल जो होता है एक प्रकार का वह यंत्र होता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, देखो अब होगा क्या इसमें, सभी लोग देखो इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम इसमें हम लोग कापर का एक धातु लेते हैं। ये देखो ये एक आपने ध्यान से समझना सबको, हमने एक कापर का धातु लिया इस तरीके से और इसके ऊपर ये इसके ऊपर जो होता है ना क्यूपरस ऑक्साइड का एक परत चढ़ा देते हैं, ये वाला जो क्यूपरस ऑक्साइड होता है उसका परत चढ़ा देते हैं। फिर इसके ऊपर जो होता है सिल्वर का परत चढ़ा देते हैं। पुनः इसको ला करके हम लोग बैटरी से और फिर अगर चाहें तो माइक्रो एम्पियर जो होता है वो लगा के इसे जोड़ देते हैं। माइक्रो एम्पियर जो होता है ना धारा के मान के नापने का कार्य करता है। जब इसके ऊपर प्रकाश को हम लोग डालते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन निकल करके, अच्छा देखो अभी सिल्वर यहाँ बेसित हो जाता है और एक कैथोड के रूप में कार्य करता है, जबकि कापर धनावेशित हो जाता है और एनोड के रूप में कार्य करता है। फिर इलेक्ट्रॉन सिल्वर से निकल करके कापर की ओर आने लगता है, परिपथ पूरा हो जाता है और इसमें धारा बहने लगती है और फिर जो प्रकाश ऊर्जा है प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, ये कहानी इसमें लिखा गया पूरा, देखिए ना इसको, देखिए पहले इसकी संरचना की बात की कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें सर्वप्रथम कापर का एक धातु लेते हैं, इसके ऊपर क्यूपरस ऑक्साइड CO2 को ट्यूब की एक परत चढ़ा देते हैं। पुनः इसके ऊपर चांदी के परत चढ़ा देते हैं तो इसके बाद इसे माइक्रो एम्पियर से जोड़कर इसे बैटरी से जोड़ देते हैं जो और परिपथ पूर्ण हो जाता है। ये संरचना थी इसकी, जब भी बात संरचना कहेगा तुरंत आप बता सकते हैं। कार्य विधि पाइए यार, सर्वप्रथम सिल्वर के ऊपर प्रकाश को डालते हैं, जो सिल्वर होता है इसके ऊपर प्रकाश को डालते हैं जिससे सिल्वर व्यावेशित हो जाता है तथा कैथोड के समान कार्य करने लगता है तथा इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड की तरफ जाने लगते हैं। अभी आपने जस्ट पढ़ा यार, अभी आपको एक बार बता देते हैं।
एनोड की तरफ जाने लगते हैं तथा परिपथ में धारा बहने लगती है और जो प्रकाश ऊर्जा होता है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। सिंपल सी बात मैंने आपको बताया, देखो यही तो है। इसके ऊपर हमने जो सिल्वर इसके ऊपर हमने प्रकाश को डाला है, जब आप प्रकाश को डालेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके फिर जाने लगते तो इसमें धारा बनने लगती है और परिपथ में जो प्रकाश ऊर्जा देते हो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। ये कहानी इसकी थी। ठीक है, चलो अब हमारे पास जो तीसरा आएगा उसका नाम होगा प्रकाश चालकीय सेल। इसके बारे में भी कोई पूछता है कि प्रकाश चालकीय सेल किसे कहते हैं, तो यह एक ऐसा यंत्र होता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह भी एक ऐसा यंत्र होता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जब ये बात आपसे पूछा जाए तुरंत आप बताएंगे। अच्छा, इसकी संरचना देख लो यार। सबसे पहले नीचे नो लोहा के एक धातु लेते, देखो ये वाला सर प्रथम लोहा के का लेंगे हम लोग धातु लेंगे, इसके ऊपर नो अर्धचालक का परचरा। अर्धचालक मन हुआ होता है नो जो समान अवस्था में उसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित हो सकता है। तो लोहा है, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक अर्धचालक का परत लगा दिया। फिर उसके ऊपर हमने एक जो पारदर्शी है पारदर्शी परत लगा दिया। जब इसके ऊपर हम लोग प्रकाश को डालते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, लोहा की तरफ आने लगता है इस तरीके से, और फिर परिपथ पूरा हो जाता है और पुनः इसमें धारा क्या होती है बहने लगती है। और इस तरीके से जब धारा बहने लगती है तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ये प्रकाश ऊर्जा जो होती है विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो देख लो सब यहाँ पर कहानी बनाकर लिखा गया है कि सर्वप्रथम लोहा का एक सीट लेते हैं तथा इसके ऊपर अर्धचालक के परत लगा देते हैं और पुनः इसके ऊपर पारदर्शी जो धातु का परत चढ़ा देते हैं। ठीक है ना, और चढ़ाने के बाद तब इसके ऊपर जब प्रकाश को डालते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं तथा परिपथ में धारा बनने लगती है। इस प्रकार प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो तीन प्रकार के ये थे सेल जो आज हम लोगों ने चर्चा किया यार। जब ये बात आपसे पूछा जाएगा तुरंत आप इसको बता। प्रकाश विद्युत सेल का कार्यविधि या प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग, जो भी बातें कहेंगे यार कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। स्वचालित स्ट्रीट लाइट में, स्वचालित स्ट्रीट लाइट का मतलब होता है कि इसका प्रयोग सड़क के किनारे जो लाइट लगा होता है उसके लिए। दिन के समय देखिएगा रात चार्ज होता है, फिर रात में जब लाइट नहीं रहता है तो इससे प्रकाश उत्पन्न होने लगती है। दूसरा होता है स्वचालित अलार्म के प्रयोग में, जो स्वचालित अलार्म होता है ना उसको बजाने के लिए भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं बैंकों तिजोरियों में। अच्छा, ये स्वचालित अलार्म के जो अलार्म होता है जो बैंक में तिजोरियों में लगा होता है ना उसको चलाने के लिए। अच्छा, एक बात बता देते हैं, जैसे मान लो कि अलार्म है वहाँ जो चोर वगैरह होते हैं जब जा करके लाइट जलाते हैं तो अलार्म बजने लगता है, लेकिन इसमें किया कहा जाता है कि एक छोटा सा विद्युत सेल लगा दिया जाता है, समझे ना, छोटा सा कोई माने प्रकाश विद्युत सेल अगर लगा देंगे जैसे ही लाइट इस वक्त जाएगा ये तो अलार्म तो बजने लगेगा, या फिर जो इसके अंदर जब थोड़ा सा ही प्रकाश जाएगा तो फिर इसके अंदर से भी प्रकाश उत्पन्न होने लगेगा। स्वचालित गणित के अध्ययन में भी करते हैं, अंतरिक्ष में भी करते हैं, जैसे उपग्रह होते हैं चलते रहते हैं उसके अंदर एनर्जी कम हो गई उसको एनर्जी देने के लिए, और उपग्रह के चार्ज करने के लिए टेलीविजन वगैरह में भी इसका सबका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। धन्यवाद।